हेलो गाइस, तो आप सब लोगों का और एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग करके दिन के 1000 से 2000 रुपए कमा पाओगे, और वो भी सिर्फ ट्रेडिंग के बेसिक नॉलेज के साथ। इसके लिए हम एक इंडिकेटर की हेल्प लेंगे, जो इंडिकेटर हमें खुद बताएगा कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे सेल। और अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं यूट्यूब वॉट अलर्ट इस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, और आपने शायद इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगी जिसमें बताया गया है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। पर मैंने इसे खुद बहुत बार टेस्ट किया और आजकल के वोलेटाइल मार्केट के सामने इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई है। मतलब हम हर बार कैसे श्योर हो जाए, ये तो अलर्ट दिखाता है कि कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे सेल, पर हमें श्योरिटी कैसे मिले कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी है। इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, हम और इंडिकेटर्स की हेल्प लेके और कुछ सेटिंग्स करके हम इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और हम खुद श्योरिटी करके मार्केट में एंट्री कर पाएंगे और हर बार हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ गए, तो यूट्यूब वॉट अलर्ट को अप्लाई करने के लिए सिंपली इंडिकेटर्स में जाके हम टाइप करेंगे यूट्यूब वॉट अलर्ट और सिंपली इसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट्स दिखाने लगा बाय और सेल के। यहाँ पे देखिए, जैसे इसने बाय का अलर्ट दिखाया, मार्केट अप ट्रेंड जाने लगा, और जैसे इसने सेल का दिखाया, मार्केट डाउन ट्रेंड जाने लगा। तो आप तो बोलोगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इससे हम एंट्री ले सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए इस सेक्शन को और इस सेक्शन को, यहाँ पे इसने सेल का अलर्ट दिखाया और तुरंत बाद इसने बाय का भी दिखाया। मतलब अगर हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे तो लॉस पक्का ही है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे इसने सेल का दिखाया और तुरंत बाद बाय का भी दिखाया, और मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो गया, मार्केट अप ट्रेंड जाने लगा। तो यहाँ से तो यहाँ तक हमारा लॉस हो जाता। तो इससे हम कैसे बचे, हम कैसे श्योर हो जाए कि कब हमें एंट्री करनी है और कब नहीं? तो इसके लिए हमें सिंपली और एक इंडिकेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपली हम इंडिकेटर्स में जाके टाइप करेंगे मूविंग एवरेज अलर्ट, उस इंडिकेटर का नाम, और उसे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइन्स आ गई, यहाँ पे एक पिंक और एक ब्लू लाइन आ गई। अब हम इस लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे। जब जब इन दोनों लाइन्स को ट्रेंड क्रॉस करेगा, हम एंट्री कर लेंगे श्योर होके। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, बाय का अलर्ट दिखा है। जैसे ही अप ट्रेंड जाने लगा, हम यहाँ पे हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इन दोनों लाइंस का क्रॉस करने की। जैसे ही इसने इन दोनों लाइंस को क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। और आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में सिर्फ 20-30 पॉइंट निकाल के आप प्रॉफिट निकाल के जा सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने फटाफट दोनों अलर्ट्स दे दिए। तो यहाँ पे आप बच सकते हो, अगर यहाँ पे इसने सेल का अलर्ट दिया तो आपको वेट करना है कि ये दोनों लाइंस को क्रॉस करे। इसने इन दोनों लाइंस को क्रॉस नहीं किया तो आपने एंट्री नहीं की, तो आप यहाँ पे बच गए। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने यहाँ पे सेल का अलर्ट दिया, आपने वेट किया, और यहाँ पे इसने दोनों लाइंस को जैसे ही क्रॉस किया, आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे मार्केट वोलाटाइल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, पर इसने इन दोनों लाइंस को क्रॉस नहीं किया, तो आप होल्ड करके आप यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इस ट्रिक को लाइव मार्केट में यूज करने से पहले आप खुद एक बार बैक टेस्ट जरूर कर लेना। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।